केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एलेवेंथ डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस तो दो मेथड है हमारे पास पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो इस इक्वेशन को मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करूंगा तो पहले स्केल्ट टल आइनिक इक्वेशन है क्या हमारे पास दिस इज डाइक्रोमेट आइन डाइक्रोमेट आइन रिएक्शन करते हैं सल्फाइट आइन से इट इज सल्फाइट आइन तो प्रोडक्ट बनता है क्रोमियम आइन और सल्फेट आइन फिर देखो दिस इज डाइक्रोमेट आइन सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव डाइक्रोमेट डाइक्रो मेट आइन सल्फाइट एस एल पी एच आई टी तो जो क्रोमियम थ्री पॉजिटिव बनेगा और बन जाएगा सल्फेट आइन इनको हम कहते हैं सल्फेट आइन पहले स्टेप में आपको ऐसे क्वेश्चन दी जाएगी अगर नहीं हो तो आपने खुद लिखना पड़ती है दूसरे स्टेप में क्या कहते हैं हम असाइन ऑक्सीडेशन नंबर फार क्रोमियम एंड सल्फ़र क्रोमियम और सल्फ़र को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको पढ़ाए थे नहीं तो फिर भी आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर मैथड से भी निकाल सकते हैं हम पहले हम निकालेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है सी आर टू ओ सेवन इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जो ग्रुप आइन है इसका चार्ज है टू नेगेटिव इसमें हमने निकालना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का यहाँ पे दो एटम है हम सिर्फ एक का ही निकालते हैं और एक का ही दिखाना पड़ता है तो क्रोमियम यहाँ पे दो है तो मैं लिखूंगा टू एक्स इनकी जगह लिख दिया टू एक्स प्लस और ब्रैकेट में ऐसे एक ऑक्सीजन का एटम है तो वह नेगेटिव टू नेगेटिव ऑक्साइड आयन एक ऑक्सीजन का एटम टू नेगेटिव है तो सेवन हो गए माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जी वाला चार्ज हम आगे लिखते हैं नेगेटिव टू ये वाला चार्ज आगे लिखना पड़ता है कंपाउंड के जो ऊपर हो आयन के जो ऊपर हो तो टू एक्स अपनी जगह ही रहा प्लस इन टू माइनस ये सारा माइनस फोर्टीन हो गया इज इक्वल टू माइनस टू फिर हमने निकालनी है टू एक्स यहां पर रहा टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अब जी आगे किया हो गया प्लस फोर्टीन तो हमारे पास क्या रहा है टू एक्स ट्वेल्व या कि एक्स इक्वल टू ट्वेल्व ओवर टू एक्स आ गया सिक्स सिक्स पॉजिटिव आया हमारे पास तो इसका मतलब है क्रोमियम हमारा क्रोमियम का एक एटम सिक्स पॉजिटिव है जो कि यहाँ दिया हुआ है लो पॉजिटिव सिक्स क्रोमियम का एक एटम इसमें पॉजिटिव सिक्स है इस तरह से आपको निकालना है ऑक्सीजन का एक एटम ये हमने याद रखना है नेगेटिव टू अब सल्फाइट सल्फाइड एस ओ थ्री टू नेगेटिव में सेम मेथड जो मैंने आपको बताया इस मेथड से आप इसको निकालोगे तो पॉजिटिव फोर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव टू में है ये तो यहाँ टू नेगेटिव जो चार्ज यहाँ दिया है दिस इज ग्रुप आइन इसको हम कहते हैं सल्फाइट आइन एक्वस में ये भी एक्वस एक्वस मीन्स द रिएक्शन इज़ इन वाटर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है पॉजिटिव थ्री यहाँ पे एस ओ फोर में एस ओ फोर में सल्फर का ऑक्सीडेशन ऐसे ही मेथड से आप निकालोगे पॉजिटिव सिक्स और ऑक्सीजन नेगेटिव टू वो तो पहले भी मैंने आपको बता दिया अब इसको फिर ध्यान से देखो इस रिएक्शन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव सिक्स से पॉजिटिव थ्री में डिक्रीज हो रहा है यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज बाई थ्री थ्री से डिक्रीज हो गया सल्फर फोर पॉजिटिव से चली गई सिक्स पॉजिटिव में तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज इनक्रीज बाई टू दिस इंडिकेट्स दैट डाइक्रोमेट आइन इज़ द ऑक्सीडेंट एंड द सल्फाइट आइन इज़ द रिडक्टेंट हाँ इस रिएक्शन को फिर देखो क्रोमियम की यहाँ पे रिडक्शन हुई है क्रोमियम की यहाँ पे क्या होगी रिडक्शन इसलिए क्रोमियम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर इसको हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं फिर सुनिए क्रोमियम की इस रिएक्शन में क्रोमियम की होगी रिडक्शन लेकिन है क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर इसको हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं ऐसे ही सल्फ़र की हुई ऑक्सीडेशन पॉजिटिव फोर से पॉजिटिव सिक्स में चला गया इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन लेकिन है यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट या फिर इसको हम रिडक्टेंट भी कहते हैं सल्फाइड को हम यहाँ रिडक्टेंट भी कहेंगे क्योंकि इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट स्टेप थ्री तीसरे स्टेप में क्या होता है कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो मैंने आपको पहले बता दिया एंड मेक दैम इक्वल उनको बराबर कर दो फ्राम स्टेप टू वी कैन नोटिस दैट देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम चेंजेस फ्राम पॉजिटिव सिक्स टू पॉजिटिव थ्री जी बात मैंने आपको बता दी पहले भी देयर इज डिक्रीज इन पॉजिटिव थ्री इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव फोर टू पॉजिटिव सिक्स देयर इज एन इंक्रीज इन पॉजिटिव टू इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ऑन द राइट हैंड साइट राइट हैंड साइड में तो चेंज आ रहा है पॉजिटिव टू का टू मेक द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इक्वल इन दोनों को बराबर करने के लिए प्लेस न्यूमरल टू बिफोर क्रोमियम आइन क्रोमियम के पीछे उन्हें टू रखना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड एंड न्यूमरल थ्री बिफोर सल्फेट आइन ऑन राइट हैंड साइड एंड बैलेंस द क्रोमियम एंड सल्फर एटम ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन दस बी गेट हमें यहाँ पे क्या मिलता है यहाँ पे देखो ध्यान से ऑक्सीजन नंबर आ गए ठीक है यहाँ पे इधर हमने तीन रखा जब यहाँ पे तीन रख दिया हमने यहाँ क्रोमियम टू है प्रोडक्ट में भी टू बैलेंस कर दिया इनको यहाँ पे थ्री तो प्रोडक्ट में भी सल्फर तीन कर देने हम अब इसको यहाँ पे थ्री कैसे आए ये मैंने आपको पहले बताया क्रोमियम क्रोमियम के दो एटम हैं यहाँ पे तो हम कर रहे थे पहले एक एटम की चेंजिंग मैंने बताई थी आपको यहाँ तीन का डिफरेंस आ गया सिक्स पॉजिटिव से थ्री पॉजिटिव में आया तो चेंज आया यहाँ पे तीन का एक एटम में दो में आ गया छः में सिक्स में आ गया दो एटम में चेंज आ गया सिक्स में तो यहां पे चेंज आ रहा है हमारा सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है अब एक सल्फर का एटम और ये वाला सल्फर के एटम में मैंने बताया आपको ये हमारा चेंज कितना आ रहा था चार से लेकर छे तक दो का चेंज आ रहा था तो इसलिए थ्री से मल्टीप्लाई देना पड़े थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स तो ये तो सिक्स ही है पहले इन दोनों को बराबर कर दिया तो इसको ऐसे नहीं समझ सकते अगर आप तो इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर क्रोमियम यहाँ पर क्रोमियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सल्फ़र इलेक्ट्रॉन निकाल रही है तो सल्फर भी से ही इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी तो वो शे लेगा से इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हमें यहां तीन लगाना पड़ता है हमने यहां पे थ्री लगा दिया तो इस तरह से ये अब हमारे पास इनका ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हमने इसको बैलेंस कर दिया तो स्टेप फोर में क्या होता है आगे सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव वही चीज लिखी है हमने लेकिन जहां पे एट एच पॉजिटिव डाले हमने इस साइड हमने क्या डाले एट एच पॉजिटिव आइन क्यों डाले मैं अभी बताता हूँ आपको इसको अगर आप ध्यान से देखें चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू नेगेटिव चार्ज है तो जहाँ पे भी टू नेगेटिव लेकिन ये मल्टीप्लाई दे रहा है थ्री से थ्री टू जा सिक्स और प्लस टू कुल मिलाकर ये हमारे पास चार्ज यहाँ पे हो गया एट नेगेटिव क्योंकि सिक्स जहाँ से आ रहा है टू नेगेटिव मल्टीप्लाई थ्री सिक्स और टू नेगेटिव यहाँ पे आ गया एट नेगेटिव चार्ज बना सारा तो एट नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एट ही एच पॉजिटिव अपने से डालने हैं एट ही एच पॉजिटिव अपने से इक्वेशन में डालने हैं तो अब इसको देखो ये वाले साइड हमारी इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज के हिसाब से बैलेंस करती दी खुद डाले एट एच पॉजिटिव तो आगे इनको ऐसे ही रख दिया हमने ठीक है यह हमारे पास तीन दुना छः तो ये भी तीन दुना छः तो आगे बैलेंस है यहाँ पे सिक्स पॉजिटिव चार्ज सिक्स नेगेटिव चार्ज ये तो ऑलरेडी बैलेंस था प्रोडक्ट का चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस तो इसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए खुद एट एच पॉजिटिव डाल दिए अब फाइनली हमने एच पॉजिटिव डाल तो दिए इनको बैलेंस कैसे करेंगे वाटर की मदद मतलब से ये देखो अगर इस साइड एट एच पॉजिटिव आ गए हैं तो हम प्रोडक्ट में खुद ही फोर वाटर मालिक्यूल डाल देंगे क्योंकि फोर मल्टीप्लाई टू एट एच बराबर हो गए तो खुद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये वाटर मालिक्यूल ऐड करने हैं फोर वाटर मालिक्यूल प्रोडक्ट में ऐड करने हैं हमें अब जितनी है दिस इज ए बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ओके